आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। व्यवसाय प्रबंध की आज की क्लास में सभी का स्वागत। आज हम जानेंगे वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना। अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि से तात्पर्य यह है कि इसमें सब कुछ शामिल हो गया, वो सारी गतिविधियाँ जो वित्त से संबंधित हैं। वित्तीय प्रबंध उन सब में कुछ ऐसा करेगा कि अंशधारियों की जो ओवरऑल वेल्थ है उसमें बढ़ोतरी हो, यानी कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो इसके लिए वित्त प्रबंध में दीर्घावधि की संपत्तियों में निवेश और कार्यशील पूंजियों के वित्तीयन, दीर्घ अवधि की लॉन्ग टर्म की जो असेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना, और जो वर्किंग कैपिटल हैं जिनको हम करंट असेट्स भी बोल सकते हैं, उनके वित्तीयन यानी कि उनके लिए वित्त की व्यवस्था, उनके लिए फाइनेंसिंग, इससे संबंधित निर्णय वित्तीय प्रबंध के मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल होते हैं। कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य तीन मूलभूत वित्तीय निर्णयों से संबंधित होता है, यानी कि किसी भी कंपनी के जो अंश हैं उनकी मार्केट वैल्यू बेसिकली तीन प्रकार के जो फाइनेंशियल डिसीजंस कंपनी या कंपनी का प्रबंध लेता है उसी पर डिपेंड करता है। इसे हम बाद में जानेंगे। इसलिए ये हम यहाँ पे समझ लें कि कंपनी के सारे कोष अंशधारियों से ही संबंधित होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड जो हैं वो शेयर होल्डर्स पे ही डिपेंड के लिए ही होते हैं बेसिकली। जिस विधि से उनका विनियोजन किया जाता है तथा जिस विधि से उनके द्वारा लाभार्जन किया जाता है उसी के अनुसार कंपनी के जो शेयर होते हैं उनके बाज़ार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस उनका तय होता है, जिसका अर्थ समता अंशों का बाजार मूल्य अधिक से अधिक बढ़ाना है। किसका अर्थ? वित्तीय प्रबंध का। कुल मिलाकर के समता अंशों पर यदि घोषित लाभांश की राशि लागत से अधिक होती है तो समता अंशों का बाजार मूल्य बढ़ने लगता है। अतः सभी वित्तीय निर्णयों का लक्ष्य इस बात को प्रतिपादित करना होता है कि प्रत्येक निर्णय जो वित्त से संबंधित है, लाभांश से संबंधित है, विनियोग से संबंधित है और वित्तीयन से संबंधित हो सकते हैं, तीन प्रकार के निर्णय होते हैं जिनका भी जिक्र किया गया था, वे बहुत इफ़िशेंटली लिए जाएं ताकि अंशों में जो मूल्य में वृद्धि हुई है उसे हम समझ सकें और वह मूल्य में वृद्धि से बाजार मूल्य में वृद्धि जो है हम वह भी ला सकें। अगर अंशों के मूल्य में गिरावट हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम यह होगा कि निर्णय इसका मतलब ठीक से नहीं हुआ, कमज़ोर है। अतः फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य है कंपनी के क्षमता अंशों के वर्तमान मूल्यों के अधिकतम ऊंचाई तक ले जाना, ठीक है, यानी कि कंपनी के स्वामियों और अंशधारियों के धन को अधिकतम बनाना। यही जो मेन टॉपिक था कि उद्देश्य क्या है, उसी को यहाँ एक्सप्लेन इन्होंने किया है कि जो भी निर्णय आप लेते हैं बतौर प्रबंधक या एक टीम के तौर पर जो भी निर्णय आपकी संस्था में लिया जाता है उससे जो अंश होते हैं उनके मूल्यों में परिवर्तन होता है और वही उसके बाजार मूल्य को तय करेगा। तो कुल मिलाकर के अगर बाजार मूल्य बढ़ गया तो ये कंपनी के लिए लाभप्रद होता है, अगर ये नहीं बढ़ता है, घट जाता है, तो ये कंपनी के लिए हानिकारक होता है। इससे अंशधारी जो होते हैं उनकी ओवरऑल वेल्थ में कमी हो सकती है, इसीलिए ये निर्णय बहुत मजबूती से और बहुत सोच समझ के लिए जाने चाहिए, ठीक है। जब किसी नई मशीन में आप विनियोग करेंगे, ये अभी आपने पढ़ा था लाभांश निर्णय के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं विनियोग निर्णय के बारे में। जब किसी नई मशीन में विनियोग आप करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा? लागत से अधिक लाभ प्राप्त करना, जैसे कि मूल्यों में वृद्धि हो जाए। इस तरह से जब वित्त का उपार्जन होता है तो उद्देश्य क्या है? लागत को कम करना ताकि मूल्य में वृद्धि हो सके। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सभी वित्तीय निर्णय, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, उनका अंतिम उद्देश्य एक ही है, निर्णयकर्ता का कुछ मूल्य में वृद्धि करने में मार्गदर्शक काम करें। यानी कुल मिला करके आप लगाए कम और अर्जित ज़्यादा करें, इसी से समता अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम हो सकेगा। यह कुशल निर्णय लेकर ही संभव है। निर्णय लेना कुशल तभी कहा जाएगा जब विभिन्न
जो उपलब्ध विकल्प हैं उनमें से आप सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करें। इसके लिए सारे विकल्पों की पहचान करना और तत्पश्चात उन विकल्पों को उनमें से बेस्ट का चुनाव करना, ठीक है। तो ये आपने अभी जाना है, अब बारी बारी से आप जानेंगे कि वित्तीय निर्णय क्या होते हैं और वित्तीय निर्णय संबंधी वित्तीय निर्णय में कैसे क्या काम होता है। तो देखिए, वित्तीय निर्णय अभी आपने जाना कि आप कहाँ पर अपना पैसा सही से लगाएंगे, ठीक है। वित्तीय संदर्भ में इसका तात्पर्य यह है कि सर्वोत्तम विकल्प चुनना या सर्वोत्तम विनियोग चुनना। वित्तीय निर्णय लेने का अर्थ है तीन विस्तृत निर्णयों को लेना। पहला है निवेश संबंधी निर्णय। इससे पहले कि निवेश संबंधी निर्णय हम आपको पढ़ाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपने पढ़ा था कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वित्तीय प्रबंध अपने अंशधारियों की ओवरऑल संपदा में अधिकतम वृद्धि करे। इसके लिए वह जो भी निर्णय लेगा, चाहे वह विनियोग संबंधी निर्णय हो, विनियोग जहाँ कंपनी अपनी पूंजी लगाता है, चाहे वह दीर्घकालीन हो चाहे वह अल्पकालिक हो। जब दीर्घकालिक लगाता है तो उसे विनियोग कहा जाता है, जब अल्पकालिक लगाता है तो उसे कार्यशील पूंजी यानी कि चालू संपत्तियों में विनियोग करना कहा जाता है। इस तरह के दोनों निर्णय विनियोग संबंधी निर्णय होते हैं। इसके अलावा अन्य जो निर्णय होते हैं उसमें आता है लाभांश निर्णय, जिसमें कंपनी ये तय करती है कि वह कितना लाभांश बांटेगी और कितना लाभांश के लाभ का कितना हिस्सा लाभांश के तौर पे न बांट करके विभिन्न प्रकार के संचयों में बांटा जाएगा, ठीक है। और फिर एक निर्णय होता है जिसे हम बोलते हैं वित्तीयन यानी कि फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी पैसा कहाँ से आएगा। पैसा पाने के, वित्त पाने के, वित्त जुटाने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, उनमें से सारे स्रोतों की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और फिर जो सर्वश्रेष्ठ स्रोत है उसे चुनना। तो वित्तीय निर्णय के अंतर्गत हम अब जानने वाले हैं निवेश संबंधी निर्णय। जो निवेश संबंधी निर्णय हैं उसमें हम जानते हैं कि फर्मों के साधन उसकी उस तुलना में अपर्याप्त होते हैं जिसमें उनका उपयोग किया जा रहा हो। आपके पास जितने संसाधन होते हैं वो हमेशा कम ही पड़ते हैं। एज अ संस्था फर्म को यहाँ से चुनाव करना पड़ जाता है कि किन साधनों को कहाँ पर विनियोजित किया जाए ताकि वे अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ उपार्जित करा सकें यानी कमा सकें, कमा के दे सकें। निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में किस तरह से लगाया जाए कि ये उद्देश्य पूरा हो सके। कौन सा उद्देश्य? अधिकतम संपत्ति में वृद्धि करना। तो निवेश निर्णय जो है वो दीर्घकालिक और अल्पकालिक दो तरह के होते हैं। अभी हम इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे। दीर्घकालीन निवेश जो होता है उसको पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है, जिसमें आप क्या करते हैं, ये दीर्घकालीन आधार पर वित्त की वचनबद्धता इसमें निहित होती है, यानी कि लंबे समय के लिए आप पैसा कहाँ लगा दे रहे हैं। जैसे उदाहरण करें कि वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन को अगर आप निवेश करेंगे या नई संपत्ति का अधिग्रहण करेंगे या कोई नई ब्रांच ही खोल दें अपने बिजनेस की, तो ये दरअसल पूंजी बजटिंग निर्णय के अंतर्गत आएगा। ये दीर्घकालीन प्रभाव लेकर के आएगा। किसी भी व्यवसाय के लिए ऐसे निर्णय बहुत विकराल यानी कि गंभीर होते हैं, क्योंकि वे दीर्घकाल में फर्म की लाभदायक क्षमता तक को प्रभावित करते हैं। लाभ को नहीं, लाभ कमाने की क्षमता को प्रभावित करते हैं दीर्घकालिक निर्णय। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, संपत्तियों का आकार, लाभदायकता तथा तुलनात्मकता, ये सब पूंजी बजटिंग निर्णयों से प्रभावित होते हैं। ये सभी निर्णय सामान्यतः निवेश की भारी मात्रा की राशि को सम्मिलित किए हुए होते हैं। इसमें बड़ी भारी लागत में अतिरिक्त परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता, मतलब आपको बड़ी मात्रा में निवेश करना होता है, इनको एक बड़ी भारी लागत में अतिरिक्त परिवर्तन भी आप नहीं कर सकते, मतलब जो भी परिवर्तन होना है जितना होना है उतना ही होगा। एक बार निर्णय लेने के उपरांत इसमें व्यवसाय को मुक्ति पाना असंभव नहीं तो दुष्कर अवस्था होता है। ऐसे निर्णयों को लेते समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। ये निर्णय उन्हीं लोगों के द्वारा लिए जाने चाहिए जो इन्हें पूर्ण रूप से जानते हैं और जिनके लिए यह बोधगम्य है, यानी कि जो जिनकी समझ में आते हैं। एक भी अगर गलत निर्णय ले लिया पूंजी बजटिंग का तो सिर्फ हानि नहीं होगी बल्कि व्यवसाय की कार्यक्षमता में भी नुकसान हो सकता है और लाभदायकता भी घट सकती है। तो कुल मिलाकर के भविष्य में
वित्तीय भविष्य को बहुत ठेस पहुंच सकेगी पहुँच सकती है अगर ये गलत निर्णय ले लिया जाए। तो इतना आपने जाना। इसके बाद में यह है कि ये जो पूंजी बजटिंग होती है इसके निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उन कारकों को अगर आप जानना चाहें तो उसमें सबसे पहले है कि जो भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने चाहते हैं, परियोजना यानी प्रोजेक्ट, उसमें रोकड़ प्रवाह, यानी कि उसमें आज पैसा आप लगा रहे हो तो पैसा आना कब से शुरू होगा, ये उसका रोकड़ प्रवाह है। यानी कि जो भी भारी धनराशि आप निर्णय लेते हैं वह एक समय में कुछ रोकड़ का प्रभाव होने की अपेक्षा करते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद इससे पैसा आना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, कोई ब्रांच खोलेंगे और मान लिया उसमें आप 10 करोड़ रुपए लगाएंगे, तो वो 10 करोड़ कब से आना शुरू होगा और कितने समय में वह 10 करोड़ आपका अदा हो जाएगा और फिर कितने समय बाद आप प्रॉफिट में आ पाएंगे, कुल मिलाकर के यही रोकड़ प्रवाह प्राप्ति है। ठीक है, ये रोकड़ प्रवाह प्राप्ति और रोकड़ भुगतान क्रम उस विशेष के लिए होते हैं जो किए हुए निवेश से होते हैं। यानी पूंजी बजटिंग निर्णय लेते समय आपको जिस चीज़ पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा उसमें आपको ये विश्लेषण कर लेना होगा कि हम ऑप्शन ए बी सी डी या जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से जो भी पैसा हमें मान लिया 10 करोड़ ही लगाना है तो 10 करोड़ हम ए में लगाएं, बी में लगाएं, सी में या डी में लगाएं, ये इस पर निर्भर करेगा कि ए बी सी डी में से जो रोकड़ प्रवाह है वह किस में जल्दी और ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, दूसरा सिर्फ रोकड़ प्रवाह नहीं, आय की दर। देखिए समझना, आय की दर अलग है और रोकड़ प्रवाह अलग है। जैसे आपने कोई चीज़ कमा ली है तो वो आपकी आय हो गई है, लेकिन अगर वो नकद में मिली है तो वो रोकड़ प्रवाह है। तो रोकड़ प्रवाह यानी नकदी की समस्या न पड़े कंपनी के सामने, ये रोकड़ प्रवाह को ध्यान में रखेंगे। और लाभदायकता यानी रेट ऑफ रिटर्न अच्छी हो यह भी देखना होगा। तो ए बी सी डी में किस में रेट ऑफ रिटर्न अच्छी है यह भी आपको देखना रहेगा इन चार ऑप्शंस में से चुनाव करते समय। निवेश कसौटी अंतर्भावितता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि निर्णय लेते समय आपको बहुत सारे गणनाओं, जैसे कि निवेश की राशि कितनी है, उस पर ब्याज की दर कितनी है, रोकड़ प्रवाह कैसा होगा, आय की दर कैसी होगी, इन सब की गणना करनी पड़ेगी। निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की वैसे तो बहुत सारी तकनीकें हैं जिन्हें पूंजी बजटिंग तकनीक के नाम से जाना जाता है। किसी एक विशेष प्रस्ताव का चुनाव करने से पहले, जैसे ये एक विशेष प्रस्ताव मतलब ए बी सी डी ये प्रस्ताव हैं आपके पास प्रोजेक्ट नेम, इनमें से आपको ये सारी तकनीकों का आप विधिवत उपयोग करेंगे, जो भी बेस्ट आपके रिजल्ट तक पहुंचा देगी उसे आप चुन लेंगे। ठीक है, ये दीर्घकालिक निवेश की बात रही। अगर हम बात करें अल्पकालिक निवेश निर्णय की, जिसमें चालू पूंजी निर्णय लिया जाता है, इसका मतलब है स्कंद, देनदार, रोकड़ स्तर, इनसे संबंधित निर्णय लेना। इन संपत्तियों के विशेष में निर्णय लेने का अर्थ है कि व्यवसाय की दैनिक कार्यवाही का निर्णय आप ले रहे हैं, व्यवसाय का दैनिक संचालन विधिवत चलता रहे। ये संपत्तियां दैनिक लेनदेन से प्रभावित होती हैं, लेनदेन व्यवसाय की देयता और लाभदायकता को प्रभावित करते हैं। कुशल रोकड़ प्रबंध, स्कंद प्रबंध तथा प्रापणीय खातों का प्रबंध कार्यशील पूंजी प्रबंध कहलाता है। यानी कुल मिलाकर के इसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली अभी विनियोग निर्णय समझे। विनियोग निर्णय दो प्रकार के थे, एक कौन सा था जिसे हमने बोला था कैपिटल बजटिंग डिसीजन और दूसरा हमने बोला था ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के दो हिस्से हैं। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल करते समय हम किन किन चीज़ों पर ध्यान में रखेंगे, योजना में कितना रोकड़ प्रवाह होगा, कैश इनफ्लोज क्या होंगे, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी, और इसके अलावा निवेश कसौटी अंतर्भावितता का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट आप जो करने जा रहे हैं उसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। वो बातें कौन कौन सी थी मैंने आपको भी बताया, निवेश की धनराशि कितनी आप निवेश करेंगे तो उस पर ब्याज की दर क्या होगी, रोकड़ प्रवाह कब कब आएगा और रेट ऑफ रिटर्न वगैरह क्या होगी, ये सारी चीज़ों की गणना, उनकी तुलना करना और उसके बाद में डिसीजन लेना। और अल्पकालीन निवेश निर्णय अभी आपको बताया गया क्या होता है। अल्पकालीन निवेश निर्णय अर्थात जो चालू संपत्तियाँ होती हैं, स्कंद, देनदार और रोकड़ के स्तर, उनसे संबंधित निर्णय लेना ताकि व्यवसाय जो है उसका संचालन बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के हो सके। वित्तीय संबंधी निर्णय, इनसे संबंधित जो भी जानकारी है उन्हें हम कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही, बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।